यहाँ पर देखिए अपने पापा के साथ ये खा रही है खाना, तो दो दो ऐसे बाइट करके ये सबके साथ ऐसे खा लेती है। और पापा खाना खाकर बैठ गए हैं धूप में बाहर, और इनके जाने के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया है पोछा, तो बाहर का जो एरिया है उसको धो देंगे पानी से। और ये देखिए हर्षु मेरे साथ ही यहाँ पे लगी हुई है झाड़ू लेके। और यहाँ पर देखिए पापा ले आए थे सब्जी बहुत सारी, मेथी पालक ले आए पापा, गाजर क्लैपिंग। पापा इतनी मेथी लेकर आए हैं तो कुछ इनका बनाएंगे आज। और इसके बाद यहाँ पर मैं दे रही हूँ पौधों को पानी, और हर्ष को यहाँ पे हटा रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे चींटियाँ हैं बहुत ही ज्यादा जो खा जाती हैं। और मैं बना रही थी मेथी के पकोड़े, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था बेसन, और ये मसाला मैंने अलग अलग लिया था लेकिन हर्षु ने सारा मिक्स कर दिया। तो इसमें मैंने लिया था थोड़ी हींग, अजवाइन, थोड़ी सी अदरक को ग्रेट कर लिया था, और थोड़ा सा मसाला लिया था, नमक लिया था, और ये जो मेथी है वो मैंने पत्तों को अलग से कर लिया था, और जो नीचे वाला पार्ट होता है मतलब जड़ से थोड़ा ऊपर वाला पार्ट होता है उसको ग्राइंड कर लिया था, मतलब पीस लिया था। तो अभी पीसा हुआ जो मतलब हमारा पेस्ट था वो इसमें मिला लिया है बेसन में, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाला भी है जो सारा मैंने मिला लिया है इसके अंदर, और उसके बाद ये जो मेथी कटी हुई है जो पत्तों वाली उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मुझे थोड़ा बैटर कम लग रहा था, पतला हो गया था, तो थोड़ा सा बेसन और ऐड करना पड़ा। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिला लेंगे। और मेथी के पकौड़े जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं, अभी ताज़ा मेथी मिलती है तो बहुत ही हेल्दी भी जैसे मेथी होती है, तो पकोड़े खाने का मन था सभी का, तो बना लेंगे भाई पकोड़े। और यहाँ पर मैं हरी मिर्ची जो है काटना भूल गई थी, तो अभी मुझे याद आया तो इसमें बड़े बड़े मतलब टुकड़ों में मिर्ची को काट दिया है। ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची मैंने नहीं डाली है इसमें, नॉर्मल मीडियम जो होती है वो वाले डाल दी है, तो हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे से हो जाएगा तैयार। तो आप इन पकोड़ों में जो है थोड़ी सूजी भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी, आज ख़त्म हो गई थी जैसे, तो सूजी से जो है थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है पकोड़ों में, तो आप सूजी को भी थोड़ा ऐड कर सकते हो इसमें। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा बेसन ऑयल डाल दिया है, और यहाँ पे ऑयल को रख दिया है गर्म होने के लिए, तो अभी ढक देते हैं इनको, जल्दी गर्म हो जाएगा हमारा ये। तो अच्छा सा गर्म करना है इसको, हाई फ्लेम पे जैसे पकाना है, हाई फ्लेम होनी चाहिए मतलब पकोड़ों को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो गया था, तो अभी एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो इसको जो है हाई फ्लेम पे ही मैंने अभी डाले हैं, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना रहता है। और यहाँ पर देखिए ये एक साइड से सिक गए थे थोड़ा, तो चिमटे की हेल्प से मैंने इनको पलट दिया था, और ये देखिए हमारे कुरकुरे हो गए हैं, तो दो चार मिनट का टाइम लगता है। तो अभी देखिए ये हमारे कुरकुरे हो गए हैं अच्छे से, तो निकाल लिए हैं मैंने, और दोबारा से अभी डाल देते हैं और भी। तो इस तरह करके सारे ही यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। और कई जगह पर इनको मेथी के गोटा, ऐसे भी मेथी के गोटे भी बोला जाता है, लेकिन हम तो भाई मेथी के पकोड़े ही बोलते हैं इनको। और ये देखिए एक बार के जो पक गए थे हमारे, फ्राई हो गए थे, वो मैंने पापा को अभी डाल दिए हैं, और ये भी आ गए थे, तो भी फटाफट से बना लेते हैं सभी के लिए। और स्नैक्स टाइम में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे चाय का टाइम होता है 3-4 बजे के करीब, तो चाय के साथ इनको आप ले सकते हैं। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाने से जो है ये अच्छे से हमारे फ्राई हो जाते हैं, मतलब अंदर से कच्चापन नहीं रहता। तो ये देखिए हमारे जो है पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं यहाँ पे। तो प्रिंस भी अभी स्कूल से आने वाला था, और साथ साथ मैं देती जा रही थी क्योंकि गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं ये। और ये देखिए इतने में प्रिंस भी आ गया है, तो अभी इसको भी दे देते हैं। और इसके बाद ये है इवनिंग का वीडियो, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खिचड़ी, तो उसके लिए मैंने दाल और चावल को पहले ही भिगोकर रख दिया था, और नमकीन खिचड़ी मैं बना रही हूँ सब्जी डाल के। तो गाजर मटर और प्याज लहसुन को मैंने कट कर लिया है, और पकौड़े बनाने के बाद मैंने ये कुछ पॉपकॉर्न भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि बच्चों को दिन में कभी कभार दे देते हैं। तो ये देखिए अभी इनको डाल लेंगे, और कई दिन तक आप इनको यूज कर सकते हैं फ्राई करने के बाद। तो अभी फटाफट से डाल लेते हैं इनको, और फिर यहाँ पर बना लेते हैं खिचड़ी। उसके लिए मैंने पैन में जो है ऑयल गर्म होने रख दिया है, तो अभी इसमें डाल देंगे लहसुन और जीरा, और बाकी सारी सब्जी को देखिए इसमें फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमारी खिचड़ी है बनकर तैयार,
तो बीच में जो फ़ोन है भाई वो स्विच ऑफ हो गया था। तो ये देखिए हमारी नमकीन खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार। तो अभी इसमें लगा देते हैं थोड़ा घी, घी के साथ जो ये अच्छी लगती है गरम गरम। तो पापा जी हर्ष को खिला कर ले आए थे और यहाँ पर ये भी आ गए थे ऑफिस से, ये खिला रहे हैं। खेलने में लट्टू हो रहा है, बिल्कुल देखता भी नहीं है जब बोल रही हूँ। तो ये देखिए अभी आ गया है ये, कई बार आवाज लगाने से। आइए 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 आइए, हैंड वॉश कर ले। तो इसके बाद यहाँ पर निपटाई बाकी सारे काम। बोलो जय श्री राम। और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।